तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमेशा की तरह रोज लेट हो जाता हूँ, क्योंकि होता यह है रात को लेट सोता हूँ, एडिटिंग के चक्कर में लेट हो जाता हूँ, तो फिर लेट ही सोता हूँ, फिर लेट सोता हूँ तो लेट सोने के बाद लेट आँख खुलती है, जब लेट आँख खुलती है तो ऑटोमेटिक ही मैं लेट हो जाता हूँ। कोशिश तो पूरी करता हूँ उससे मैं रोज़ जल्दी उठूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो फिलहाल अभी जो है कि पार्क में आ गए हैं और अभी एक्सरसाइज करते हैं। ना हो पाएगा इस पेड़ के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, बाकी सब बढ़िया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, सभी को मेरा सलाम, भाई को राम राम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात ऐसी है, ये मैंने एक ऐप्स को फॉलो कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया ऐप है, जब से मैंने डाउनलोड किया है और उसे फॉलो किया है तो ये समझ लो अभी तक जो है कि 70% मेरे को रिजल्ट मिल रहा है उससे, बाकी 30% कंप्लीट होने के बाद। मैंने 30 दिन का टारगेट लिया है, ये 30 दिन में आपका फेट और वेट दोनों कम करेगा। तो उस ऐप का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो आप भी उस ऐप के थ्रू अपने आप को फिट रख सकते हो। फिलहाल अब चलते हैं, धूप हो गई है और एक ये जूस। इसका सेवन कंटिन्यू। अगर आप मेरे पहले की पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा, इससे पहले मैं कितना पतला था, फिर उसके बाद मैं कितना मोटा हुआ और फिर दोबारा मैंने अपने आप को फिट, अभी हुआ नहीं हूँ बट कर रहा हूँ, यानी कि पहले में और फिर उसके बाद उसके और उसके बाद में क्या अंतर आया है। और ये बिना मेहनत के नहीं हो सकता है, जब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे। अपने खाने पीने का तो ध्यान ऐसा है जी, मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो मैं खाने के लिए कहीं भी और कभी भी जा सकता हूँ और मेरे मूड का पता नहीं होता, तो इसलिए मैं खाने पर मैं ध्यान नहीं रख पाता। लेकिन मैं दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, एक अपने फिटनेस पे, दूसरा की चीज़ का अपने आप पे, बाकी तो जैसे रेगुलर चलता है उसी तरीके से चलता है। अब हम लेट हो रहे हैं, 11 बज चुके हैं, हमें दुकान पहुंचना है। रिसीव्ड 160 रुपीस ऑन गूगल पे फॉर बिजनेस। 160 रुपए, अच्छा। तो अब हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को शॉप पे ही मिलता हूँ, ठीक है जी। अबे तेरी मम्मी ने क्या कहा था, चप्पल पहन के घर पे गया था तो क्या कह रही, नशे में था क्या? और तू तेरे को किसी ने आस पड़ोस वालों ने कहा? मेरे को एक दिन ने पूछा है क्या तब फैशन न्यू फैशन लॉन्च करा तेरे। अच्छा, यो यो ओ यो ओ यो 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 सही है। तो तू पहले से खूबसूरत है या अब जाके खूबसूरत हो गया है? मैं तो बचपन से स्मार्ट है। स्मार्ट है तो तू भाई तेरा क्या है? तो दोस्तों बात ऐसी है, आज हमारी सवारी जा रही है पहाड़गंज। पहाड़गंज में एक्चुअली में क्या है, अभी आप लोगों ने देखा था मेरी दुकान पे जो बोर्ड वाला काम हो रहा है, बोर्ड का वैसे तो अधिकतर सारा काम हो गया है, पर मार्केट में एक नई चीज आई है और हमारे पास आप लोगों को पता है जो मशीन है
एक्रेलिक जो जो इनग्रेविंग वाली मशीन है जिससे हम सारे कटिंग वटिंग का काम करते हैं, तो उस मशीन का हम कुछ बेनिफिट तो ले सकते हैं। तो आज हम जो है कि अपने हाथों से एक सुंदर सा बोर्ड बना रहे हैं अपनी दुकान के लिए, और तो उसके लिए हम कुछ मटेरियल लेने के लिए जा रहे हैं हम पहाड़गंज में, क्योंकि पहाड़गंज में पूरी जो एक्रेलिक की मार्केट है, जो एलईडी जो बोर्ड बनते हैं, वो सब कुछ सामान उसका वहीं मिलता है। मशीन हमारे पास है, थोड़ा सा हमें दिमाग की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, और थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, यानी कि हमारा बोर्ड हम खुद तैयार कर सकते हैं इस मशीन के ज़रिए। और ये राय दी है हमें आरके ने, आरके ने बताया भैया हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आरके भी हमारे साथ है। हाँ भाई चले, इसके मुँह में हमेशा जब देखो तो कुछ नहीं है, जबरदस्ती तुम दे मीठी सुपारी होती है, पता नहीं कौन सी गोली होती है। बहुत दिनों के बाद हमने शर्ट पहनी है, वैसे हमेशा मैं टी शर्ट वी शर्ट में घूमता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाना चाहिए। तो फिलहाल चलते हैं। जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ ऐसे लहराते हुए, मन में ना एक अलग सी फीलिंग आती है। मिली है, वैसे तो यहाँ पार्किंग हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, और एक जगह दिख गई है, हमने यहाँ लगा दी है। और अब चलते हैं एक बार मार्केट में, हमें रॉन्ग साइड से उतरना पड़ेगा। अरे छिपकी हुई जींस है। अच्छा चश्मा तो लो मेरा। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई पार्किंग है नहीं, अगर है तो थोड़ा सा आगे जाके रेलवे स्टेशन है उसमें तो पार्किंग है, या फिर पीछे की तरफ है, मतलब इधर रेलवे स्टेशन है और इधर पीछे पार्किंग थी पर दूर थी, और हम यहाँ खड़ी करके निकल गए। और धूप बहुत प्यारी है, जब कोई चीज़ जाने वाली होती है ना तो बस एक बार ऐसे ही फड़फड़ाती है, यानी कि अब गर्मी जाने वाली है तो समझ लो गर्मी एक जोरों से आ गई है, बहुत तगड़ी धूप है आज, मतलब अगर मैं चश्मे को हटा दूँ तो आँख भी नहीं खुलेगी ऐसा है। पूरी मार्केट है जी, और यहाँ पे जो दोनों तरफ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये होटल है, जाएगा ओयो। बाकी आ जा, तो यहाँ से ये सारी दुकानें हैं इस तरीके से, और चलते हैं हमें जहाँ जाना है, हमने यहीं से ली थी तो एक बार ही ले लेते हैं छोटे टुकड़ों में। गोल्डन, हाँ जो दिया था गोल्डन हो, चॉकलेटी टाइप का गोल्डन, ब्राउन गोल्डन टाइप, मोटा नहीं हल्का चाहिए होता है। एक रेड ये भी है, ये तो ट्रांसपेरेंट वाला है। देखो फिर टुकड़ा निकल जाए छोटा सा, हमारे साइज की इसमें से शेट फिटिंग करके निकाल रहे हैं, हम यही लेने के लिए आए हुए थे। और तो नहीं कुछ लेना था, बस यही, पर आगे देखते हैं एक बारी। मैं दो शीट तो हमने यहाँ से जो कुछ सामान हमें यहाँ से जो लेना था हमने यहाँ से ले लिया है, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, कुछ लाइट वाइट देखते हैं, अगर हमें लाइट भी मिल गई तो हम लाइट यहीं से ले लेंगे। मुझे लाइट यहाँ महंगी मिलेगी, सबसे मिलेगी वही ठीक वाली मेरे हिसाब से। तो आगे जो उधर की तरफ एक मार्केट है अच्छी पूरी, वहीं जाके देखते हैं एक बारी, अगर हम वहाँ से सस्ती मिलेगी तो यही ले लेंगे। ये वाली लगी हुई है सारी लाइटें, अच्छा 500 रुपये से लेकर 3x3 का सीन ही है, नहीं 1x3 है शायद वो, ये वाला सही नहीं है। तो जी हमारा पहाड़गंज का काम निकल गया है, और हम निकल गए हैं चांदनी चौक के लिए। हम चांदनी चौक बहुत जाते हैं, फोन आ रहा है किसी का, रंजीत का आ रहा है। तो आज हमें पार्किंग
ऊपर मिली नहीं, तो आज हम नीचे ही लगा रहे हैं। और मार्केट में आज भीड़ बहुत ज्यादा है यार, फटाफट कहीं जगह लगा देख कर इसे लगा लेते हैं। हमें जो पार्किंग मिली यार सबसे नीचे आकर, मतलब कहीं जगह ही नहीं थी, और बिना लिफ्ट के ऊपर जाने, बड़ा गंदा सीन है यार। और नीचे कोई भी नेटवर्क अब चलता ही नहीं है, और आके को हमने ऊपर ही उतार दिया था। मैंने कहा से तू नहीं ले, पार्किंग में लगा के आता, देखते हैं तो मिलता है। मैं अभी आर के का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, जहाँ कहा था खड़े रहने के लिए वहाँ खड़ा है नहीं, देखते हैं किधर से आता है। हाँ भाई, अब जब तू मुझे यहाँ दिख गया था सामने वाली गली में, यहाँ तक क्यों आया तू? एक एक गलियाँ, एक एक चौहारे सब देख रखे हैं। करते हालत हो गई हमारी बस से बदतर, और इसलिए हम निकल यहाँ से हो रहे हैं हम 76, यानी कि हम हो रहे हैं गायब, निकल रहे हैं। और टाइम हो गया, टाइम बता, 5:30 का बस, तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। टाइमिंग होता 3:40 पे आए थे, अभी समय कितना हो रहा है 5:40, 3:40 पे आए थे, करेक्ट 5:40 हो चुका है। और सामने तो हमारे हो चुके हैं 3 मिनट ऊपर, और 3 मिनट ऊपर के देखते हैं कितने पैसे देते हैं, पर्ची दियो चेक करो जी। और इतना टाइम पास कर रहे हैं भाई, देखो क्या कहते हैं। कितने क्यों देखो आप, देखो ना तो कितने हो गए, कार कैसे बन जाएंगे यार। हमें तो बकस दिया करो यार, रेगुलेट वालों को, तुमने भी 3 मिनट के भी फिर भी तुमने 10 रुपए ले लिए ऊपर, बताओ देखा आपने? हमें पता है ना यहाँ चलता क्या है, फुल लूटा मारी है। मतलब मैंने इसको 50 का नोट दिया और बंदे ने कह रहे 60 रुपए बन रहे, मतलब उसमें भी एहसान दिखा रहा है मेरे पैसे से। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये रेगुलर ही ऐसा करते हैं। तुम लोग दुकान बढ़ा दी क्या? मैं दोबारा जो है कि चांदनी चौक जा रहा हूँ खाना खाने। पैसा चाहिए तुझे, क्या करना है, है? अब पैसे ही नहीं है। हेलो, दारू कितने पी रहे थे, इधर स्कूटी कर रही है, है? दो बोतल सीधा खड़ा हो, सही में इतना हिल रहा है। चलिए तो खैर मजाक की बात है, आराम से जियो, ठीक है? ओके, पैसे चाहिए नहीं चाहिए, निकल पहली फुर्सत में। रात को 10:30 बजे चांदनी चौक मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, और कहाँ है, कुरैशी पे, जहाँ पे भी 2 दिन पहले कबाब खाने के लिए आया था, आज फिर मैं वहीं आया हूँ। और रात को 10:30 बजे, 10:30 बजे आए हैं, फिर भी अभी भी 25 मिनट की वेटिंग में हूँ मैं, अभी 25 बजे वेट करना पड़ेगा, जब उसके बाद आया है। क्या ऑर्डर किया है अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गए हमारे कबाब, ये रही चटनी, बाकी और आ गया हमारा चिकन टिक्का, देखने में स्वादिष्ट लग रहा है, आगे देखते हैं। एक नंबर का स्वाद है, जब तो इतनी दूर से हम यहाँ आते हैं। मैं इतना ज़्यादा खाने का शौकीन हूँ, हमें बस मुझे पता लगना चाहिए वहाँ पे ये स्वाद है, मैं वहाँ कहीं भी पहुँच सकता हूँ। तो रुमाली रोटी के साथ कबाब, बात ऐसी है अभी जो है कि खाना खा के मैं वहाँ से निकल गया हूँ, और मेरा अचानक ही प्लान बन गया था और मैं आ गया, क्योंकि खाने के मामले में कुछ ऐसा ही हूँ मैं, जब मेरा दिल करता है तो जहाँ की इच्छा होती है मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। तो बस दुकान बढ़ाने के बाद मेरी इच्छा हुई,
और मैं आ गया था यहाँ पे खाना खाने के लिए। और खाने की बात करूँ तो भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इससे बढ़िया कबाब कोई नहीं बना सकता, चाहे वो कबाब हो या इनका चिकन टिक्का हो। मतलब बंदा खाते खाते पांचों उंगलियां अगर ना चाटे ना तो मैं कह रहा हूँ क्या ही बोलूँ मैं। तो फिलहाल अभी जो है कि हमने खाना खा लिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं।